नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर प्रस्तुत हूं एक बहुत ही गंभीर रोग और एक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले रोग के निदान समाधान के लिए। ठीक, उसका नाम क्या है? जलोदर या असाइटिस, पेट में पानी भर जाना। अधिकतर पेशेंट इससे परेशान रहते हैं, टैपिंग करवाते हैं, पानी निकलवाते रहते हैं, लगातार पानी बनता रहता है और व्यक्ति अंतःगत्वा या तो कैंसर से या फिर आंतों में सूजन के कारण या शरीर में कोई आंतरिक व्रण होने के कारण, घाव हो जाने के कारण या गलन के कारण मर जाता है या फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो खाट से नहीं उठ पाता है। तो इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, आयुर्वेद में इसका निदान भी किया गया है और समाधान भी किया गया। निदान का अर्थ क्या कि ये होता क्यों है और इसके हेतु क्या है तथा इसका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, देन समाधान क्या, इसके लिए क्या यूज करें आप, क्या बचाव करें, क्या औषधियां यूज करें। तो देखो, होता यूं है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, यदि आप तला भुना, ठीक है, मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें ज्यादा खाते हो, आपकी पाचन प्रक्रिया सही नहीं है, खाना ना पचने के बाद भी आप तुरंत खाना ठूसते जाते हो या भूख ना लगने के बाद भी ज्यादा खाना खाते हो, भूख से ज्यादा खाना खाते हो, मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें ज्यादा खाते हो, घी ज्यादा खाते हो, तो शरीर में पाचन क्षमता कम हो जाती है। पाचन क्षमता कम होगी, अग्नि शरीर में कम है तो अशुद्ध रस बनता है खाना पचने के बाद, जिसको हम आम कहते हैं। शुरुआत यहीं से होती है कि आम रस जो है लैट्रिन के साथ आता है, चिपकता है, जो चिकना पदार्थ निकलता है मल के साथ उसको बोलते हैं आम या आव बोलते हैं या म्यूकस बोलते हैं, ठीक है, श्लेष्मा। तो वो चिपकता है, धीरे धीरे करके पेट की समस्याएं आने लगती हैं और फिर अंत तो गत्वा पता चलता है कि पेट में पानी भर रहा है, पेट फूल चुका है और व्यक्ति को उठने में भी दर्द हो रहा है, इवन उसको दिक्कत होती है चलने फिरने में भी, थक जल्दी जाता है और भूख उसको कम लगने लगती है, प्यास उसको कम लगने लगती है, बहुत विकट स्थिति होती है ये। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, पहले तो जो मैंने चीजें बताई जिनके कारण ये रोग होता है उन चीजों को मत करें आप। यदि आपको नहीं भी है तो वो चीजें कम खाएं, तेल मिर्च मसाला खटाई कम खाएं, भूख नहीं लगी है तो खाना मत खाओ, जबरन खाना मत ठूसो, पार्टीज में जबरन कि आप पार्टी में आए हैं तो भाई पैसा दिया है, व्यवहार दिया है तो वसूलेंगे ही, तो दो एक की जगह दो थाली खा ली, ये मत करो भाई, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, एक्सरसाइज डेली करें, इससे बहुत फायदा रहता है, ऐसे रोग नहीं हो पाते। अब आता हूं मैं बचाव पे, तो बचाव क्या करना है। देखो, यदि हो ही गया है तो आपको यह करना है कि गुनगुना पानी ही आपको यूज करना है, ठंडा पानी आप यूज नहीं करेंगे, बंद कर दें ठंडा पानी। ठीक, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, जामुन के पत्ते, पांच 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 पत्ते सुबह शाम रात तीन टाइम हल्के गुनगुने पानी के साथ चबाकर आप सेवन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जिन व्यक्तियों को किसी धार्मिक प्रतिबंध के कारण गौमूत्र सेवन नहीं करना है उनको छोड़कर मैं बोलूंगा कि सभी व्यक्तियों को सुबह शाम एक कप पानी में तीन से चार चम्मच गौमूत्र यानी कि गाय की पेशाब का सेवन आपको करना है, या फिर गौमूत्र अर्क ले आइए, रामदेव का या किसी भी अच्छी कंपनी का गौमूत्र अर्क ले आइए और एक से दो चम्मच एक कप पानी मिलाकर सुबह शाम रात तीन टाइम सेवन करिए, बहुत ही निरापद प्रयोग है। इससे पेट का पानी निकलता जाता है, मल के साथ भी निकलता है, पेशाब के साथ भी निकलता है और असाइटिस यानी कि जलोदर खत्म होने लगता है। अब इसमें औषधियों का क्या यूज करना है, तो मैं आपको जिन औषधियों का प्रयोग बता रहा हूं उनका यूज करिए। ताम्र भस्म, देखो बच्चों को यदि है तो एक चौथाई मात्रा यूज करना, 16 साल से कम का कोई बच्चा है तो एक चौथाई, मैं जो दवा बता रहा हूँ वो सामान्य वयस्कों के लिए बता रहा हूँ यानी कि 16 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए बता रहा हूँ, और 60 साल से ऊपर के भी व्यक्ति एक चौथाई ही यूज करें, है ना, ये नहीं कि पूरा डोज, तो 16 से 60 के बीच के व्यक्तियों के लिए ये दवा बताई जा रही है, बाकी सब एक चौथाई करें। ताम्र भस्म आपको लेनी है 100 mg, ठीक है, ताम्र भस्म 100 mg ले लीजिए। श्वेत पर्पटी आपको लेनी है 500 mg, 100 mg मतलब कि दो चुटकी, ठीक, 500 mg मतलब कि 10 चुटकी श्वेत पर्पटी। चंद्र प्रभावटी आपको लेनी है 4 गोलियां, ठीक है, चंद्र प्रभावटी 4 गोलियां आपको लेनी है, और आपको लेनी है यवक क्षार, यव क्षार आता है 250 mg यानी 3 से 4 चुटकी, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के एक घंटे बाद एक कप गुनगुने पानी के साथ आपको सुबह शाम सेवन करना है, दूध का प्रयोग नहीं करना है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और
आपको खाने के 2 घंटे बाद 2 चम्मच यानी कि लगभग 20 ml अभयारिष्ट, 20 ml पुनर्नवारिष्ट, 20 ml आपको लेनी है कुमारी आसव 1 कप पानी मिलाकर। यदि डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक हैं तो इनका यूज मत करिए, जो आसव अरिष्ट मैं सिरप बता रहा हूं उनका यूज मत करिए, बाकी दवा का यूज कर लीजिए। ठीक, रात में सोने के पहले 2 चम्मच एरंड कैस्टर ऑयल 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको सेवन करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके पेट का जो एक्सेसिव पानी है वो निकलता जाएगा, फ्लूड निकलता जाएगा मल और मूत्र के साथ। हो सकता है कि लूज मोशंस भी हो, डरना नहीं है, लूज मोशन जितने ज्यादा होंगे उतने जल्दी रोगी ठीक होगा। ठीक, मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें मटर सहमी भी भिंडी उसको नहीं देनी है। मूंग की दाल रोटी लौकी परवल भाजी अनार पपीता सेव उसको दे सकते हैं, पपीता ज्यादा ज्यादा सेवन कराएं। टैपिंग बिल्कुल ना कराएं, आयुर्वेद में टैपिंग का निषेध है, यानी कि पेट से जो पानी निकलवाते हो वो मत करो। यदि निकलवाते जाओगे पानी भरता जाएगा, वो अंदर से ही जब फ्लूड, जब खराब फ्लूड बनना बंद हो जाएगा, पाचन प्रक्रिया दुरुस्त हो जाएगी, तो फिर ये दिक्कत नहीं होने वाली। तो जरूर इसका यूज कर लीजिए दोस्तों, और देखिए अपने तक सीमित मत रखा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसे अनुभूत प्रयोग हैं जो लाखों रुपए में कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर इसको शेयर कर दो, और अपने स्टेटस में भी इस वीडियो की लिंक डाल दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और इसका यूज करके ठीक हो सकें। 1 महीने में ही पता चलने लगता है कि रोग कितना खत्म हो चुका है, और बहुत सालों का रोग है, 7-8 महीने यूज कर लो पूरी तरह रोग खत्म हो जाएगा। अभी अभी का है, 4-5 महीने में ही रोग खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, और कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए, तथा यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकॉन जरूर टैप कर दीजिए, घंटी का निशान उसको टैप कर दीजिए, और ऑल एक का आता है विकल्प उस पर दबा दीजिए, तो आपको मेरे पूरे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा। और दोस्तों यदि किसी भी प्रकार के गंभीर रोग की दवा आपको मुझसे बुलवानी, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। 2 से 3 दिन समय लग सकता है व्हाट्सएप रीड करने में मुझे, मैं तब आपको टाइम दूंगा। धीरज रखिएगा, ये नहीं कि आपने व्हाट्सएप करा सर आपने आज रिप्लाई नहीं दिया, आपने व्हाट्सएप नहीं देखा, देखो बहुत सारे काम होते हैं, सैकड़ों मरीजों के मैसेज आते हैं, तो 2-3 दिन में मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। फिर जो मैं प्रोसेस करूं उसके तहत एडवांस पेमेंट करके आप दवा बुलवा लीजिए, 8 से 10 दिन में दवा पहुंच जाती है, और कंटिन्यू दवा रखने पर आपके बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि शत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।